नमस्कार बच्चों कैसे हो आप सभी आशा करता हूं आप सभी अच्छे हो तो बच्चों मैं आपका मैथ टीचर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओ डिजिटल एजुकेशन में तो बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है बहुपद जिसकी एक्सरसाइज टू पॉइंट टू का जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया है और इसके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट भी हमारा लास्ट वीडियो में कम्प्लीट हो चुका है तो बच्चों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन का क्वेश्चन नंबर वन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ठीक है आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें इसका पार्ट टू और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये आपके लिए होमवर्क है आप खुद से लगा के देखना नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना ठीक है तो आपने किया है नहीं किया फिर भी कोई नहीं अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर टू तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि पहले हमें शून्यंक निकालना है क्या निकालना है शून्यंक तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर टू है इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है इसका कौन सा है सेकंड पार्ट ठीक है तो यहां पे टू लिख रहा है आप सेकंड ऐसा लिख लीजिए ठीक है तो क्वेश्चन है हमारा पी पोलोमियल इसको क्या लिखते हैं पोलोनोमियल पी तो यहां पर पी की जगह क्या आएगा एस क्या आएगा एस पी एस इजिकल टू कितना फोर एस स्क्वायर माइनस के फोर एस और प्लस में कितना वन क्या आ गया वन तो इसके बाद में आप क्या करोगे हमें क्वेश्चन में क्या करना है इसके शून्यंक निकालने बच्चों क्या निकालने हैं शून्यंक उसके लिए क्या करोगे शून्यंक के लिए शून्यंक के लिए क्या लिखना है पी एस टू क्या लेके चलना है जीरो क्या लेके चलना है जीरो तभी हम किसके मान निकाल लेंगे यहां पे चर जो हमारा क्या है एक्स है ठीक है तो यहां पे जब पी का मान रखोगे कितना है बच्चों फोर एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एस प्लस के वन कितना जीरो कितना है जीरो अब फिर क्या बताया था हमने लास्ट वीडियो में सबसे लास्ट वाले की और सबसे पहले वाले का जो गुणांक है इनकी क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई तो तो चार चार, चार के फैक्टर आप निकालो कितना आएगा टू इंटू टू आएगा और हमें लास्ट वाला जो का साइन देखना पड़ता है चिन्ह देखना पड़ता है कैसा चिन्ह है इसका प्लस तो इसका मतलब इन फैक्टरों को प्लस करके हमें चार लाना है तो आप इससे भी आसान कुछ हो सकता है टू प्लस टू कितना आ गया चार और मल्टीप्लाई करके भी कितना आना चाहिए चार तो दोनों कितना आता है चार तो यहां पे आ गया आपका फोर एक्स स्क्स की जगह आपका तो तो पे 4x square minus minus से multiply करो दोनों प्लस के तो दोनों का हो जाएंगे माइनस तो माइनस के कितना टू एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो पहले वाले में से कॉमन निकालिए आप पहले दोनों में से तो फोर और टू में से कॉमन क्या आ गया बच्चों टू कितना आ गया टू और देखिए के साथ में हमें ये देखना है X है और पे 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 क्या S, एक X भी आ आ आ गया 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 तो में में से से कितना कितना बचेगा और देखिए टू एक्स ही हमारा कॉमन आ गया, गया? गया, गया? गया। जहाँ सब कुछ कॉमन आ जाता है वहां पे क्या बचता है वन कॉमन का मतलब उस नंबर से उसमें क्या करना है डिवाइड करना है नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्टार्टिंग का चिन्ह है वही लगाते हैं टू इधर है वन इधर है एस इधर है, इधर कितना है? एस नहीं है, वन है, नहीं ठीक है तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे common में क्या लिया जाता? वन. क्या common लिया जाता है, है, है. प्रॉब्लम आती है तो माइनस का वन कॉमन आ गया तो ये आ गया आपका टू एस माइनस वन इजिकल टू जीरो सही गलत की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही होगा वो लेकिन यहां पे यदि गलत आ गए डिफरेंट आ गए तो वो तो गलत होता ही होता है तो हमारा कैसा आया दोनों जगह सेम है तो यहां पे ये टू एस माइनस वन कॉमन ले लिया और यहां पे आपका क्या बचेगा टू एस माइनस वन निकल गया तो यहां पे बचा टू एस और यहां पे बचा माइनस वन इजिकल टू जीरो दोनों गुणनखंड हमारे कैसे आए समान आए तो हमें दो मान निकालने तो यहां पे आप लिखोगे यदि टू एस माइनस वन इजिकल टू जीरो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था यदि करके लिखना है टू एस माइनस वन इजिकल टू जीरो से टू एस इजिकल टू वन इधर जाकर प्लस का हो जाएगा एस का मान आ गया बच्चों कितना एक बटे दो और यहां से भी एस का मान कितना आएगा एक बटे दो क्योंकि दोनों क्या है हमारे सेम अब ये जो x एक्स एस के जो मान आए हैं बच्चों ये हमारे क्या होते हैं शून्यंक क्या होते हैं शून्यंक तो यहां पर आप लिखोगे आते शून्यंक कितने आगे एक बटे दो कॉमा एक बटे दो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा अब बात रही अगले पार्ट की तो यहां तक हमने शून्यंग ज्ञात कर लिए उसके बाद में उसने कहा शून्यंग तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी जांच करनी है कि यह सत्य है या असत्य है ठीक है तो उसके लिए क्या बताया था आपको सबसे पहले आपको नोट करना है फोर के फोर कितना दे रखा फोर एस स्क्वायर माइनस के फोर एस प्लस वन ठीक है ये आपका क्या दे रखा है बहुपद पी एस इजिकल टू तुलना किससे करनी है ए अब एक्स नहीं आएगा जो है एस सी आएगा ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से करने पर से करने पर क्योंकि हमें गुणांक चाहिए और गुणांक हमारे क्या होते हैं बच्चों ए बी सी तो यहाँ पे जब कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे A का मान ए की जगह कितना है और B की कितना है माइनस फोर और सी की जगह कितना है वन तथा शून्यंक हमारे शून्यंक जो हमारे वो क्या होते हैं अल्फा और क्या होते हैं बीटा ये जो हमारे मान आए हैं शून्यंक इन्हीं को हम क्या बोलते हैं अल्फा बीटा किसी को भी अल्फा मान लीजिए किसी को भी बीटा यहाँ पे तो दोनों मान कितने एक बटे दो और एक बटे दो ठीक है तो हमारे सब कुछ निकल गए पे शून्यंक और ये इनको क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं गुणांक अब यहाँ पे आपको जांच करनी है जो गुणांक और शून्यंकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करनी है कि वो सही है या गलत है तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाना चाहो तो बना लीजिए कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच ठीक है जांच करनी है हमें देखिए पहला जो संबंध है सभी जानते हो फर्स्ट फर्स्ट होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा या तो हिंदी में लिख दीजिए अंकों का योगफल और उसी को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस के बी अपॉन रख दीजिए मान अल्फा का मान कितना है एक बटे दो बीटा का मान कितना है एक बटे दो और यहाँ पे इधर माइनस बी का मान जब भी माइनस में मानो तो ब्रैकेट में रखे करो अन्यथा गलती कर दोगे बी का मान कितना है फोर तो यहाँ पे एक आधा और आधा जोड़ो कितना आएगा एक और माइनस और वैसे करना चाहे देखिए एल्शियम कितना आ गया दो तो कितना आएगा वन प्लस वन इजिकल टू और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस फोर प्लस फोर तो यहाँ पे भी आपका कितना आएगा दो बटे दो आएगा और यहाँ पे कितना आ गया वन और दो से दो को काटोगे कितना आ गया वन तो यहाँ पे आपका आ गया वन इजिकल टू वन तो ये क्या हो गया पहला वाला जो आपका संबंध था वो प्रूफ हो गया कि इतने इतने के बराबर होता है ये वाला आपका प्रूफ हो चुका है हमने वैल्यू रख के देख ली बात करते हैं हम सेकंड की सेकंड सेकंड हमारा क्या है शून्यंकों का चलिए तो हिंदी में लिख देता हूं सर शून्यंकों का गुणन पल फिजिकल टू क्या होता है प्लस का होता है वो अचार पद बटे एक्सक्र का गुणांक एक्सर का गुणांक तो यहां पे का अल्फा इंटू, बीटा गुणांक क्या होता है यहां पे क्या है एस और एक्स स्क्स का ए क्या होता है ए अब मान रखिए अल्फा का मान आपको पता है कितना एक बटे दो बीटा का मान भी कितना एक बटे दो इजिकल टू सी का मान कितना है? वन ए का मान कितना है फोर और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो वन की वन में और दो कितना आ गया चार तो वन अपॉन फोर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर देख लीजिए दोनों जगह की मान कैसे आया समान आया तो ये क्या हो गया हेंसर रूप तो हमको यही प्रूव करने थे कि दोनों हमारे संबंध ये वैल्यू रखने पर दोनों साइड की वैल्यू बराबर आनी चाहिए ठीक है तो ये क्वेश्चन आया है पेपर में बोर्ड के पेपर में अब की बार 2024 में टेंथ क्लास में आया है बच्चों ठीक है तो आपको ऐसे ही करना है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन ठीक है तो वो जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके सेम है इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं और ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क ये वाला और फिर मैं इन्हें बताता हूं आपको तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री मैं बात करता हूं कितना सिक्स क्वेश्चन नंबर वन का कौन सा थर्ड क्वेश्चन क्या है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री माइनस के कितना दे रखा सेवन एक्स ये हमारा क्या है बहुपद पी एक्स लेके चलोगे ठीक है तो सबसे पहले हमें इसे व्यापक रूप में लिखना है देखिए यहां पे व्यापक रूप में नहीं दे रखा पहले दो घात फिर जीरो घात, फिर एक घात दे रखा है तो इसे सही फॉर्मेट में लिखिए तो पी एक्स इजिकल टू कितना पहले वाला पद और फिर x वाला पद और फिर माइनस के थ्री और फिर क्या लिखोगे हमें शून्यंक निकालना है सबसे पहले तो यहां पर लिखोगे पीएक्स के शून्यंक के लिए शून्यंकों के लिए क्या करना है पी एक्स इजिकल टू क्या लेके चलना है हमें जीरो तो Px का मान रखिए कितना के के बच्चों कितना जीरो कितना अब ये आपने कर रखे हैं तो लास्ट वाले की और पहले वाले की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया एटीन और एटीन के जब फैक्टर निकालोगे कितना आएगा दो नौ और फिर तीन से काटोगे तो तीन और ये कितना 1. तो आ गया वन तो फैक्टर आगे टू इंटू थ्री इंटू थ्री ठीक है अब इन्हें फैक्टरों की सहायता से हमें लास्ट वाला साइन का है क्या है माइनस का किसका है माइनस का तो ये माइनस करके सात लाना है तो देखिए यहां पे तीन तिया नौ और नौ में से बच्चों दो जाएगा कितना बचेगा सात कितना बचेगा सात तो ये आपको बार बार बता रखा है मल्टीप्लाई भी करके देखे करो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अठारह आ रहा है या नहीं आ रहा तो नौ दूनी कितना हो गया अठारह तो जब यहाँ पे आप लिखोगे कितना आएगा सिक्स एक्स माइनस सात की जगह आ गया नौ माइनस के दो इंटू में एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो पे आप निकालोगे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस के नाइन इधर से एक्स माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो पहले दोनों में से अलग कॉमन निकालिए तो छो में से ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकालना है हमें तो तीन ऐसा है जिसके टेबल में दोनों आ जाते हैं तो थ्री आ गया एक्स और एक्स में से क्या आ गया एक्स

उसके बाद में क्या करते हैं दो हमारे फैक्टर आगे इनको क्या करते हैं पहले एक को जीरो तो वो लिखते हैं हम यदि कितना है टू एक्स माइनस थ्री इजिकल टू जीरो पहला पार्ट तो ये हो गया दूसरा हमारा कितना है यदि थ्री एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकलेंगे निकलेंगी तो यहां से पहला एक्स का मान निकालोगे तो तीन, निकालो तीन क्योंकि ये गुणा वाला कैम जाता है भाग में तो x के जो दो मान आ गए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं शून्यंक क्या बोलते हैं बच्चों तो पे लिखोगे अतः अतः शून्यंक अतः शून्यंक तो शून्यंक हमारे जो एक्स के मान है उन्हीं को शून्यंक बोलते हैं और वो क्या होते हैं हमारे अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा क्या होता है बीटा तो अल्फा का मान किसी को भी मान लीजिए इससे कोई दिक्कत नहीं तीन बटे दो और उसका मान है माइनस के एक बटे तीन एक बटे तीन ठीक है तो क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया दूसरा हमारा गुणांकों और शून्यंकों के बीच में संबंध निकालना है ठीक है तो यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं गुणांकों तथा शून्यंकों के बीच संबंध के बीच संबंध अब इसके लिए क्या करोगे सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दे रखे सॉरी जो बहुपद दे रखा है उससे एबीसी के मान निकालोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री या व्यापक रूप में लिखिए कितना है माइनस के सेवन एक्स माइनस के थ्री की तुलना इससे करनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर जब करोगे एक्स की स्क्त कितना है कितना कितना है 6, B की कितना है की बच्चों के सेवन अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको थ्री एबीसी के, के मान आगे अल्फा बीटा आपके सामने तो इनका संबंध बना दीजिए पहला क्या था पहला क्या था हमारा फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना था माइनस के बी अपॉन ए अल्फा का मान रखिए तीन बटे दो अब ये देखिए माइनस में है, तो यहां पे क्या जाएगा माइनस कितना एक बटे तीन इजिकल टू माइनस बी का मान माइनस के कितना है सेवन अपॉन में कितना ए का मान कितना है सिक्स ठीक है इन दोनों का एल्शियम लेगे बच्चों कितना आएगा सिक्स तो दो से भाग दोगे तीन 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 नौ तीन से भाग दोगे दो ये आ गया और माइनस प्लस बटे कितना कि नौ में कि बटे बटे तो क्या से दो गए बचेंगे बराबर मतलब दोनों यही आपसे पूछा है कि दोनों साइड की वैल्यू सही आ रही है या गलत यह आपको सिद्ध करना है इसका सेकेंड पार्ट और रह गया उसे और करते हैं सेकेंड पार्ट वो क्या है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या होता है सी अपॉन ए तो अल्फा का मान कितना है हमारा थ्री अपॉन टू इंटू बीटा का मान माइनस के एक बटे तीन इजिकल टू सी का मान कितना है बच्चों कुछ नहीं है मान रखना है बस सिक्स जब इनको हम सॉल्व करेंगे तीन से तीन घट कितनी बार एक बार और यहाँ तीन एक हम तीन तीन दुनिया छ तो यहां पे हमने देखा एक ऊपर तो दोनों साइड में एक एक आ गया तो माइनस वन और तो नीचे कितना बचा दो और यहां पे भी कितना माइनस एक बटे दो तो यहां पे भी हमने देखा दोनों तरफ की वैल्यू कैसी आ गई सेम तो यहां पे भी क्या हो गया हैंसर तो जो दोनों संबंध है हमें दोनों साइड में क्या दिखाने थे बराबर तो हमारा ये पार्ट हो गया कैसा खत्म इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं देखिए क्वेश्चन हमारा ये लास्ट लास्ट वीडियो में हमने कराया था ये हो गया और ये हो गया ठीक है ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है ठीक है बात करते हैं हम दो पार्ट और हमारे बच रहे क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे इन चारों पार्टों से कैसे डिफरेंट है? है क्योंकि इनमें हमारे व्यापक रूप में तीनों पद दे रखे इनमें क्या हो रहा है यहाँ पे टी वाला पद नहीं है यहाँ पे क्या है कांस्टेंट पद नहीं है अब इन्हें मैं कराता हूं ये भी बिल्कुल आसान है लेकिन इनका करने का तरीका क्या है जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर वन का कौन सा है फोर्थ तो क्वेश्चन हमारा क्या है कितना है बच्चों फोर यू स्क्वायर फोर यू स्क्वायर प्लस के एट यू और इसको हम क्या मानेंगे अब कर पी यू क्या मानेंगे पी यू पी का मतलब क्या होता है पोलोनोमियल बहुपद अब कर जो बहुपद है आपका यू में दे रखा है ठीक है तो यहां पे क्या लिखोगे सेम वही प्रोसेस है पीयू के शून्यंक तो कों के लिए पी यू इजिकल टू क्या लेके चलना है हमें जीरो तो यहां पे फोर यू स्क्वायर माइनस के एट यू इजिकल टू जीरो ठीक है सेम वही

4U to, कितना? जीरो पहला दूसरा यू माइनस टू इजिकल टू जीरो कुछ नहीं करना फैक्टर यहां पे भी हमारे गुणनखंड दो आगे एक ये और एक ये आगे कॉमन लेने के बाद में तो यहाँ पे यू का मान निकालोगे तो ये देखिए चार इधर जाएगा जीरो बटे कितना आएगा बच्चों चार और यू बराबर कितना आ जाएगा जीरो आएगा जीरो यहां से आप यू का मान निकालोगे तो दो माइनस का इधर जाकर एक हो जाएगा प्लस ठीक है तो यू के दो मान आ गए अतः शून्यंक अतः अत शून्यंक ये जो यू के मान है इन्हीं को क्या बोलेंगे हम शून्यंक तो शून्यंक हमारे कितने आ गए एक तो जीरो आ गया और एक कितना आ गया दो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा अल्फा अल्फाइजिकल टू हमने क्या मान लिया जीरो और बीटा इजिकल टू कितना मान लिया टू अब ये नहीं कि अल्फा का मान जीरो अल्फा का मान आप दो ले लीजिए बीटा का मान जीरो लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये तो हमारे हो गए शून्य दूसरा पार्ट क्या कहता है शून्यक तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करनी है ठीक है तो उसके लिए देखिए बच्चों यहां पर मैं लिख रहा हूं को शूनकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच तो कितने संबंध होते हैं दोनों के बीच में दो होते हैं तो दोनों की हमें जांच करनी है वही कॉन्सेप्ट है ठीक है तो इसमें लिखोगे क्या सबसे पहले अल्फा बीटा हमें पता चल गई तो हमें क्या करना है बहुपद कितना है 4 u square plus के 8 u constant term नहीं है उसकी जगह क्या ले लोगे zero जो भी टर्म नहीं होती उसकी जगह बच्चों क्या लेना है zero की तुलना की तुलना किससे करोगे au square plus bu plus c करने पर करने पर तो की जगह कितना आएगा बच्चों? ए का मान कितना निकल के आएगा बताइए जल्दी से एजिकल टू कितना गया फोर बीजिकल टू कितना गया एट सी जीकल टू कितना जीरो तथा अल्फा बीटा के मान हमने निकाल लिए अल्फा का मान जीरो और बीटा का मान कितना है हमारा दो अतः पहला जो संबंध है फर्स्ट क्या था अल्फा प्लस बीटा To, कितना है माइनस के बी है। अब आपको भूल जाते फॉर्मूला तो अलग बात है लेकिन फॉर्मूला याद रखना है ये एक फॉर्मूला का काम करते हैं अल्फा का मान रखिए बच्चों अल्फा का मान हमारा कितना जीरो प्लस बीटा का मान दो माइनस बी का मान आठ और ए का मान कितना चार चार से भाग दोगे चार दूनी आठ ठीक है अब यहां पे देखिए कहीं माइनस का झमेला तो नहीं रह गया क्योंकि एट यू आ गया यहाँ पे देखिए यहां पर गलती कर दी बच्चों यहाँ पे प्लस का है तो यहां पर आप क्या लेके चलोगे प्लस का ही लेके चलोगे क्योंकि यहां पर क्या लिख दिया माइनस क्या लिख दिया माइनस और ये माइनस है तो ये काहे का हो जाएगा ये सॉरी प्लस हो गए और ये काहे का हो जाएगा माइनस ठीक है तो यहां पर ये जो आपका मान है ये भी काहे का आएगा माइनस का ठीक है काहे का आएगा माइनस समझ में आया क्योंकि यहां पे प्लस था क्या हो गया था ये माइनस इससे कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन हमारा माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में आएगा सब कुछ ठीक रहेगा यहाँ पे इसकी जगह क्या है का आएगा ये माइनस किसका आएगा माइनस तो जब यहाँ पे बीटा का मान रखोगे तो बच्चों का, का आएगा ये तो ये कहे का आएगा बीटा का मान देखिए कहे का आएगा माइनस के तो अल्फा का मान जीरो और बीटा का मान कितना माइनस के टू तो यहां पे माइनस टू आएगा और यहां चार से भाग दोगे माइनस टू दोनों साइड की वैल्यू कैसी आ गई बराबर और ये हमारा क्या हो गया आंसर प्रूफ तो हमने उत्तर की क्या कर ली जांच लेकिन ये कौन से पार्ट की हुई है अभी ए पहले पार्ट की क्योंकि इसमें कितने पार्ट है दो सेकेंड हमारा क्या होता है क्या होता है शून्य अंकों का गुणनफल तो गुणा करके और देखना है कि दोनों साइड की वैल्यू हमारी बराबर आती है या नहीं वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए अल्फा का मान रखिए बच्चों कितना है अल्फा का मान कितना है आपका जीरो बीटा का मान कितना है माइनस टू फिजिकल टू सी का मान कितना है जीरो और ए का मान कितना है चार तो यहां पे किसी में भी जीरो से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा जीरो और जीरो में किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है जीरो दोनों साइड की वैल्यू यहां भी बराबर आ गई इसका मतलब ठीक है बच्चों तो हमें क्वेश्चन में पहले तो इनके शून्यंग निकालने हैं और फिर शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है वो तभी कर पाओगे जब आपको ये दो फॉर्मूला पता हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये मैंने अभी आपको बताए थे लास्ट वीडियो में बताए थे आज तो नहीं बताए थे लास्ट वीडियो में आपको बताए थे ठीक है बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्वेश्चन हो गया लास्ट हो एक क्वेश्चन और रह रहा है टी स्क्वायर माइनस के फिफ्टीन तो क्वेश्चन नंबर वन का कौन सा फिफ्थ टी स्क्वायर तो यहां पे ये टी में दे रखा है तो इसको हम बच्चे क्या लिखेंगे टी इजिकल टू कितना टी स्क्वायर माइनस के फिफ्टीन अब इसमें देखिए दो पद दे रखे इसमें बीच वाला जो पद है टी वाला पद है जिसमें एक घात होती है वो इसमें नहीं है तो सबसे पहले क्या करोगे यहां पे क्वेश्चन में फिर वही करना है ज्ञात करने के लिए पीटी के शून्यंक ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए क्या करना है जो हमारा पीटी है उसे क्या लेके चलते हैं बच्चों जीरो तो पीटी की जगह कितना है टी स्क्वायर माइनस के पंद्रह इजिकल टू जीरो अब इसके दो तरीके हैं दो मेथड है इस टाइप के सवाल करने के या तो ये स्क्वायर में दे रखा है तो इसको भी स्क्वायर में लिख दीजिए जैसे कि मैं समझा रहा हूं आपको जैसे सोलह होता है सोलह किसका स्क्वायर होता है फोर का नाइन होता है, किसका होता है थ्री का अब यहाँ पे आपका पंद्रह है 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उस आप लगाओगे और उस क्या लगा दोगे होल स्क्वायर जैसे कि में आपको लिखना है तो टी स्क्वायर माइनस अंडर रूड पंद्रह का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर इजिकल टू जीरो जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको देखिए माइनस का ही मिलेगा हमेशा प्लस का नहीं मिलेगा ठीक है ये चौथे चैप्टर में हम सीखेंगे क्यों नहीं होगा प्लस में ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है याद हो तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और बच्चों कितना ए माइनस बी इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो यहाँ पे ए की जगह कितना है टी और बी की जगह क्या है अंडरवूड पांच तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिए एक बार दोनों को जोड़ दीजिए टी प्लस टी प्लस अंडर पंद्रह एक बार जोड़ दिया और एक बार क्या करना है माइनस टी माइनस अंडर पंद्रह अब देखिए यहां पे बन गए हमारे दो गुणन खंड हमारा क्वेश्चन करने का मतलब भी क्या होता है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना है इसके दो फैक्टर बन जाए जब दो फैक्टर हमारे बन गए गुणनखंड बन गए तो उनको हम क्या लेके चलते हैं जीरो तो वहां से हमारे मान निकलते हैं तो यहां पर आप लिखोगे यदि टी प्लस अंडर पंद्रह

अतः शून्यंक अत कितने आगे हमारे एक तो अंडर रूट पंद्रह आ गया प्लस का और एक अंडर रूट पंद्रह वो काहे का आ गया माइनस का एक प्लस का और एक माइनस का इसी को हम क्या बोलते हैं अल्फा और इसी को क्या बोलेंगे बीटा ठीक है बच्चों ये तो हमारे शून्यंक आ गए दूसरे पार्ट में वो कहता है आपसे कि इनके शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है तो यहां पर आप लिखोगे शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध अम्मंद, संबंधों की जांच करनी है ठीक है ये जांच करनी है आपको तो देखिए यहां पे जांच करने के लिए हमें शून्य हमें क्या निकालने गुणांक निकालने सबसे पहले उसके लिए ये आपका बहुपद दे रखा है इसको व्यापक रूप में लिखना है तो यहाँ पे बहुपद को जब लिखोगे पी टी इजिकल टू कितना दे रखा है टी स्क्वायर माइनस के कितना पंद्रह इसका व्यापक रूप लिखिए टी वाला पद नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस जीरो इंटू कितना टी जीरो इंटू टी और माइनस के पंद्रह की तुलना इससे करने पर ए टी स्क्वायर प्लस के बी टी और प्लस के सी से करने पर जब तुलना करोगे यहां पे तो तुलना करने पर आप सी के मान निकाल लोगे एक ही जगह यहां पे कितना आएगा वन बी की जगह कितना है जीरो और सी की जगह कितना है माइनस के पंद्रह अल्फा आपको पता ही है अल्फा का मान कितना है अंडर रूड पंद्रह और बीटा का मान कितना है माइनस के अंडर रूड पंद्रह ठीक है ठीके? तो संबंधों में पहला जो है वो क्या है आपका क्या है अल्फा प्लस बीटा सबसे पहला आता है अल्फा प्लस बीटा इसका मान होता है माइनस के बी अपॉन अल्फा का मान कितना अंडर रूड पंद्रह और बीटा का मान माइनस के अंडर रूड पंद्रह इजिकल टू माइनस जीरो बी का मान जीरो और ए का मान कितना है वन ये कट के क्या आ गया जीरो बराबर जीरो ठीक है तो दोनों साइड की वैल्यू कैसी आई है बराबर तो ये हमारा उत्तर की क्या होगी जांच होगी तो ये हैंस प्रूव्ड ठीक है बच्चों सेकेंड हम बात करते हैं गुणनफल की अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना सी अपॉन ए अल्फा का मान कितना है हमारा रखिए वहां से अंडर रूड पंद्रह इंटू माइनस के अंडर रूड पंद्रह और यहां पे सी का मान कितना है बच्चों माइनस के पंद्रह बटे एक तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करोगे माइनस और अंडर रूड पंद्रह के अंडर रूड पंद्रह में करोगे तो पंद्रह तो माइनस के पंद्रह बराबर पंद्रह दोनों साइड की वैल्यू यहां पे भी कैसी आ गई बराबर इसका मतलब ये भी क्या हो गया हैंसर प्रोट। दोनों हमारे फॉर्मूले थे दोनों संबंध हमने देख लिए कि दोनों साइड की वैल्यू कैसी आ रही है बराबर इसी को हम बोलते हैं क्या शून्यंक तथा गुणांकों के बीच में संबंध ठीक है बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज में एक और रह गया पार्ट क्वेश्चन का ठीक है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ठीक है या क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है ठीक है वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी ठीक है तो आप सबसे पहले पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से देखिए नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीका से और इसके जैसे जो भी आपकी बुक में एग्जाम्पल है उन्हें करिए और यदि किसी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उन्हें सॉर्ट आउट करा दू जब आप करोगे ही नहीं कोई कमेंट तो मैं कहां से करा दू ठीक है बाकी जितना भी इस एक्सरसाइज में जितना भी बेसिक या कोई भी कॉन्सेप्ट यूज होना है वो सारा मैंने क्लियर करा दिया है ठीक है अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन के छः पार्ट थे जिसमें से मैंने कुछ आपके लिए सिक्स पार्ट छोड़ा है ये आप खुद से लगाओगे और नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ठीक है ठीक है बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग